सो गाइस फाइनली फायर खत्म हो गया और ये शक्ल हो गया मेरा मुंह पहली बार जला मतलब मेरे को स्किन बर्न हो गया सन बर्न देखो नहीं ये देखो ये देखो मतलब ऐसा हो गया कुछ 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 मतलब इसमें बर्फ लगाने पड़े हैं ब्यूटी स्किल तो जाए ना भाड़ में चलो फाइनली फायर खत्म हो गई आज मजा आ गया ठा 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 अब पहली बार करेंगे तो यही होगा और मजा आया क्योंकि आज हमने 110 राउंड फायर किए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा यहां कौन है पहले वाह क्या शक्ल बन गई मेरी आज अच्छा लगा फायरिंग करने के बाद फायरिंग से तो कोई दिक्कत नहीं थी फायरिंग का तो सिर्फ शोर था जो कान में बहुत जोर से था बहुत ज़्यादा दिवाली मनाई जैसे दिवाली में लक्ष्मी बम फूटता है उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा जोर से गोली के पटाखे थे जो अभी तक शायद कान में ही हैं और ऊपर से धूप और पूरा दिन वहीं मतलब बाहर बट रेंज में अच्छा भी लगा लेकिन ये जो ये मुंह का बन गया ना ये मेरे को बहुत जलन हो रही है इसमें इसके लिए करना पड़ेगा कुछ तो बढ़िया एक्सपीरियंस था यार आज का अभी चलेंगे हम मैस में खाना खाने और नीचे था हमारा मतलब हमारा आज का ब्रेकफास्ट लंच वहीं था लेकिन सुबह हाँ लेकिन हमने ब्रेकफास्ट यहीं किया क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा था हमने सोचा था कि आज हमारी फायरिंग नहीं होगी लेकिन हो गई अभी कान भी बंद है और उसकी वजह से आवाज़ भी नहीं आ रही मुंह से तो अभी चलते खाना खाने बस मुंह धो के देखेंगे अरे होगा ठीक कि नहीं लाल हो गया बिल्कुल सो हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल पहाड़ी अंग्रेज ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों कल शाम मैंने कम्युनिटी टैब में डाला कि फाइनली फ्री तो बहुत से लोगों ने ये सोचा कि हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है तो नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है फ्री मैंने कहा इसलिए कि हमारी फायरिंग ख़त्म हो गई है और आपने अभी देखा क्लिप्स में कि फायरिंग वाले दिन कुछ फेस का हाल भी ठीक नहीं था क्योंकि उस दिन हम पूरा दिन धूप में थे ग्राउंड में थे बट रेंज में थे तो आज आप सभी के साथ एक नई वीडियो को लेकर आ गई हूँ क्योंकि बहुत समय से वीडियो नहीं बनाई वो इसलिए क्योंकि जैसे फायरिंग के लिए आजकल प्रैक्टिस चल रही थी तो मतलब हम लोग हर रोज़ बिजी थे उसके बाद जिस दिन हमारी फायरिंग थी उस दिन भी हम 3-4 बजे उठ गए और इतनी जल्दी उठकर हम लोग बट रेंज गए फटीक चल रही थी जो कुछ भी तो गाइज आज बात करते हैं कि हमारी मतलब मेरा फायरिंग एक्सपीरियंस कैसा था तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वैसे मज़ा आया एक पुलिस के जवान को एक कांस्टेबल को एक रिक्रूट को इसी डिपार्टमेंट में आने के बाद सिर्फ आपको राइफल मिलती है असली की और उसके साथ आपको इतनी सारी गोलियां एक दिन में हमने 110 राउंड फायर किए तो 110 राउंड बहुत ज़्यादा होते हैं एक रिक्रूट को जो कि शायद सिविलियन लाइफ में हमें कभी भी फायर करने को नहीं मिलते कभी भी नहीं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेपन के साथ जो कि कुछ मैक्सिमम ऑटोमेटिक वेपन थी मतलब बहुत एडवांस वेपन के साथ हमने फायरिंग की तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था हालांकि कान में पूरे दिन धमाके सुन के कान हमारे एकदम बिल्कुल बंद हो चुके थे लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ऑसम था फायरिंग का मेरा अपना पर्सनली और अगर हम सिविलियन होते या किसी और जॉब को कर रहे होते तो ये अपॉर्चुनिटी हमें कभी भी नहीं मिलती कभी भी हम वेपन को नहीं उठा पाते कभी भी हम हथियार बंदूक को नहीं उठा पाते इतनी डिफरेंट टाइप्स की कोई जर्मनी से बनी है कोई कहीं से बनी है मतलब अलग अलग जगह की वेपन्स है वो तो उससे हमने फायरिंग की ये बहुत बड़ी बात है और वो भी 110 राउंड सिंगल पर्सन एक पर्सन ने 110 राउंड फायर किए तो लगभग हम लोग 54 लोग थे जिस दिन हमारी फायरिंग थी तो 54 लोगों ने हर एक शख्स ने 110 राउंड फायर किए मतलब 5000 से ज़्यादा फायर हुए हैं उस दिन 5-6000 के आसपास फायर हुए हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया तो मैंने सोचा कि ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूँ क्योंकि इससे पिछला ब्लॉग मैंने वो डाला था कि हमारी फायरिंग शुरू होने वाली है तो फिलहाल अब हमारी फायरिंग ख़त्म हो गई है तो दोस्तों उसके बाद हमारे अब एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिनों में और इसमें आउटडोर और इंडोर दोनों के एग्ज़ाम होंगे जैसे कि फर्स्ट लेग में हुए सेकंड लेग भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं रिटन और
ग्राउंड की एक्टिविटीज़ होती है उसमें, और इसके बाद हमारा तुरंत बाद POP की तैयारी शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द हम यहाँ से अब पास आउट भी होने वाले हैं। तो कुल मिला के अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी पॉजिटिव था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बना दें, ताकि आप लोग बहुत दिनों से चैनल पर देख रहे होंगे, कोई किसी प्रकार की कोई वीडियो ही नहीं आ रही है। तो फिलहाल अभी हमारी फायरिंग ख़त्म हो गई है, मतलब मेरी अभी कुछ प्लाटून्स है बची हुई जिनकी फायरिंग है, लेकिन हमारी ख़त्म हो गई है। तो हमारा अब जो अगला स्टेप है वो यही है कि आउटडोर और इनडोर के एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करेंगे और उसके बाद POP की। तो बहुत से लोगों ने ये सोचा कि जैसे मैंने कम्युनिटी टैब पे कल डाल रखा था कि फाइनली फ्री, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग ट्रेनिंग से फ्री हो गए, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग के लिए अभी शायद एक महीना और है। भी जैसे मई जून चल रहा है तो जुलाई तक भी हमारे एग्ज़ाम चलेंगे, तो अगस्त में हमारी ट्रेनिंग शायद ख़त्म हो जाए और हमारी पासिंग आउट परेड हो जाए। तो अगस्त तक अभी अब वेट करते हैं कि शायद अगस्त तक हो जाए, और हम भी यही चाहते हैं कि अगस्त तक हो जाए, क्योंकि अब ट्रेनिंग में इतना ज़्यादा मन नहीं लगता, क्योंकि बहुत समय हो गया घर से बाहर आए हुए, लगभग एक पूरा साल हो जाएगा हम लोगों को अगस्त में, और सितंबर में हम लोगों को एक पूरा साल हो जाएगा अपने घरों से निकले हुए। तो मतलब पूरे एक साल में हम हार्डली 8 या 10 या 11 दिन अपने अपने घरों में रहे हैं, अगर किसी ने छुट्टी ली है तो, वरना 7 दिन की हम लोगों को छुट्टी हुई थी। तो बस पूरे साल में अगर आप 7 दिन अपने घर वालों के पास रहोगे, अपने परिवार के साथ रहोगे, और बाकी दिन आप एक जैसी कम्युनिटी में रहोगे जहाँ पे सभी लोग आप जैसे ही है, आप जैसी वर्दी पहन रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा चेंज चाहिए। तो अब शायद हम घर जा पाएंगे इसी उम्मीद के साथ है, थोड़ी सी बाहर की दुनिया देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम साल भर से सिर्फ वाइट टी शर्ट वाले लोगों को देख रहे हैं और खाकी वर्दी वालों को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज होगा। तो बस आज की वीडियो यही थी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस चैनल पर इसी तरह बने रहे, अपना प्यार बनाए रखे, और जल्दी हमारे 5,000 सब्सक्राइबर भी पूरे होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज कि आप लोगों ने बहुत जल्दी इतना बड़ा परिवार यहाँ पर बिल्डअप कर दिया है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 5,000 लोगों की फैमिली पूरी होने वाली है। तो थैंक यू सो मच फैमिली, आप सभी लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, फिलहाल बाय।